ये आपकी है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन आपके पास रूट्स क्या होंगे? रूट्स रियल होंगे, रियल तो होंगे लेकिन आपके पास इक्वल नहीं होंगे, क्या होंगे? एंड डिफरेंट। Given equation is 2x square plus x minus 1 equals
डिफाइन कीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac. आपके पास b की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू 2 इनटू माइनस 1. ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस का इनटू माइनस से प्लस, प्लस 4 का इनटू 2 से 8 प्लस के 8. ठीक है, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया, और 9 क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. 9 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल. यही आपके पास क्या है, इसके आंसर. ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 4. सॉल्यूशन देखिए, गिवन इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. कंपेयर कीजिए इसको, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहां पे 1, b की वैल्यू आपके पास माइनस 4, x इक्वल्स टू 4. क्या फाइंड करेंगे, d, d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट कीजिए, b माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इनटू 1 इनटू 4. ठीक है, माइनस 4 का जब स्क्वायर करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 16, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 आपके पास क्या आ गया, 0. आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0. अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो रूट्स का नेचर क्या था आपके पास, हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल. रियल तो है, साथ के साथ जब जीरो होता है तो क्या होते हैं, एंड इक्वल भी है. ये भी आपका क्या है, आंसर. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6. तो देखिए इसका क्या गिवन है आपको, इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, a की वैल्यू आप क्या फाइंड करेंगे, 3, b की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस 2, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. d फाइंड कीजिए, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट कीजिए इसमें, b क्या है, माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू 1 9 3 एंड c आपके पास कितना है, 1 अपॉन 3. इस c से ये 3 1 टाइम्स कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास, 0. आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, देन क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. यही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्या गिवन है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच रूट्स आर रियल.
माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स, टू का स्क्वायर करेंगे फोर के स्क्वायर माइनस सिक्स फोर जा 24 के। ठीक है, आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ गया 4k² माइनस 24k, बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पहले से आपको गिवन है, अगर ये रियल और इक्वल है देन आपके पास क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है हम उसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल, 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। यहां से 4k को कॉमन लेंगे आपके पास क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक बार 4k इक्वल्स टू 0 एंड एक बार k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0 और यहां से k की वैल्यू आपके पास आ गई 6। ठीक है, तो यही आपके क्या है k equals to 0 and ठीक है आपको k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर सेकंड, इसको भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन क्या है x² माइनस 2k प्लस 1x प्लस k² इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए इससे ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे 1, a की वैल्यू आपके पास 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k प्लस 1 और c की वैल्यू आपके पास क्या है k² आप क्या फाइंड करेंगे b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी b² माइनस 4ac वैल्यू पुट कीजिए माइनस 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और इंटू में क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है अगर ऊपर कोई पावर है स्क्वायर क्यूब तो आपको उन सभी वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 4 के स्क्वायर। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास 4 इंटू क्या आ जाएगा k² प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू के और माइनस में 4k² इसका इंटू इन सभी से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4k² प्लस 4 और प्लस में 4 टू जा 8k माइनस 4k² ये 4k² प्लस के ये माइनस के दोनों कर जाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 8k। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये b² माइनस 4ac। अगर आपके पास रूट्स क्या है रियल और इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है क्या रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं 4 प्लस 8k इक्वल्स टू 0। यहां से हम 4 को इधर लेके जाएंगे 8k इक्वल्स टू माइनस 4 और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 8 कट करेंगे तो माइनस 1/2 आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1/2 और यही आपके पास क्या है इसका आंसर। ओके बच्चों, ठीक है अब इसका है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड देखिए सॉल्यूशन
निकालिए डी बी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी की वैल्यू आपके पास ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री के स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर ये आपके पास क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल रियल भी है और इक्वल भी है देन हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू जीरो इस ट्वेंटी फोर को हम इधर लेके जाएंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर और के की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट रूट के आगे प्लस माइनस अब आपको एलसीएम मेथड से इसके फैक्टर फाइंड करने हैं ठीक है टू की टेबल से ट्वेल्व टाइम्स वापिस टू की टेबल से सिक्स टाइम टू की टेबल से थ्री टाइम और थ्री की टेबल से पेयर किसका बना टू का तो उसको हम रूट से बाहर निकाल देंगे और अंदर क्या आ जाएगा सिक्स प्लस माइनस तो आपके पास के की वैल्यू क्या है टू रूट सिक्स एंड माइनस के टू रूट यही आपके पास क्या है इसका आंसर ओके बच्चों नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर फोर के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो सॉल्यूशन देखिए इसका k प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी k प्लस वन b की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस टू के माइनस वन और c की वैल्यू आपके पास क्या है वन ठीक है अब हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी की वैल्यू पुट कीजिए माइनस टू इंटू के माइनस वन होल स्क्वायर फिर माइनस फोर इंटू के प्लस वन इंटू सी वन ठीक है यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे टू का फोर और के माइनस वन का फोर स्क्वायर माइनस इस टाइम टू इससे करेंगे माइनस के फोर के माइनस फोर ठीक है अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यूज कीजिए के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के ठीक है और माइनस के फोर के माइनस फोर फोर का इंटू अंदर इन सभी से करेंगे फोर के स्क्वायर फोर का इंटू वन से करेंगे प्लस के फोर फोर का इंटू माइनस के टू से करेंगे माइनस के एट के माइनस फोर के और माइनस फोर प्लस के फोर से माइनस का फोर कट जाएगा आपके पास क्या बचेगा फोर के स्क्वायर और फोर एट और फोर माइनस के अब आपको पता है क्या कि रूट्स को क्या है इक्वल और रियल और इक्वल बट रूट्स आर गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल रियल भी है अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो आप क्या करोगे बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को इक्वल टू जीरो रख दोगे फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेल्व के इक्वल्स टू जीरो यहां से हम फोर के को कॉमन ले लेंगे आपके पास के माइनस सिक्स के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा एक बार फोर के इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे रखेंगे फोर के इक्वल्स टू जीरो और एक बार के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो यहाँ से k की वैल्यू जीरो अपॉन फोर यानी कि k इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा और इधर से k की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री और यही आपके क्या है आंसर
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर सिक्स। पार्ट नंबर सिक्स में भी हमें ऐसे ही करना है, सॉल्यूशन देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k, b की वैल्यू आपके पास माइनस फाइव एंड c इक्वल्स टू k। क्या फाइंड करेंगे, b, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वैल्यू पुट कीजिए माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू के। ठीक है, आपके पास a की वैल्यू भी k है और आपके पास c की वैल्यू भी k है। फाइव का स्क्वायर करेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस फोर के स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपके पास आ गया है। लेकिन रूट्स क्या गिवन है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है, आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, ट्वेंटी फाइव माइनस फोर के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यहां से इसको इधर लेके जाएंगे, ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू फोर के स्क्वायर, इधर माइनस के होते उधर जाके प्लस के हो गए। यहां से फोर को इधर लेके आएंगे, ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर इक्वल्स टू के स्क्वायर, और के